morning to all of you. May बोलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. मैं मौलिक अधिकार के बारे में कहा जाती हूँ. मौलिक अधिकार मौलिक होने का कारण ये है कि जिन एक व्यक्ति को व्यक्ति का जीवन के लिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है. हमारे देश में मौलिक अधिकार बनाने के लिए दो साल 11 माह और 18 दिन लग गई है. वो 1950 जनवरी और जनवरी 26 में दिया गया है. वो उत्तराष्ट्र अमेरिका में लिखा गया है बनाने के लिए. मौलिक अधिकार हमारे जीवन में मनुष्य का व्यक्ति का व्यक्तित्व परिपूर्ण प्रकाश करने के लिए आवश्यकता है. इन्हें देश में भारत में सब लोगों के लिए मौलिक अधिकार आवश्यकता है. मौलिक अधिकार जिस लोगों में अधिकार अपोहो करते हैं और कर्तव्य भी उन्हें करना चाहिए. अधिकार और कर्तव्य दोनों जड़ित है. अधिकार में अधिकार को 7 प्रकार में विभक्त किया गया है. समानता अधिकार, स्वाधीनता अधिकार, शोषण विरोध का अधिकार, धार्मिकता तो स्वाधीनता अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार और सांविधानिक प्रतिकार अधिकार. समानता अधिकार 14 से 18 तक लिखा गया है. और स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22 तक लिखा गया है. शोषण का विरोध अधिकार 23 से 24 तक लिखे गए हैं. और धर्मगत स्वाधीनता अधिकार 25 से 28 तक लिखा गए हैं. और शिक्षागत सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30 तक लिखा गया है. और सांविधानिक प्रतिकार अधिकार 32 धारा में लिखा गया है. वो कहता है कि समानता अधिकार धारा 14 है. प्रत्येक हमारे संविधान का संशोधन व्यवस्था में प्रत्येक लोगों आयोग के अनुसार प्रत्येक लोग समान और सुरक्षित है. वो धारा 15 में जाति धर्म वर्ण मूल वंश और वासस्थानों के आधार में सब लोग समान है. 17 में सब लोगों को अस्पृश्यता निवारण का अंत किया जाता है. 18 में उपाधियों का अंत किया जाता है. स्वतंत्रता अधिकार को सब लोगों को ये अधिकार दिया जाता है. जैसे कोई भी हमारे मौलिक आवश्यकता खाद्य वस्त्र बासगृह दिया गया है. जो कोई भी स्थान में जो कोई भी देश में बासस्थान का अधिकार घूमने का अधिकार जैसे कोई भी स्थान में शिक्षा करने का अधिकार वृत्ति करने का अधिकार जैसे स्कूल में पढ़ाई किया जाता है अधिकार दिया जाता है. और खाने का अधिकार दिया जाता है. वो बाघ स्वतंत्रता अधिकार भी दिया जाता है. शोषण विरोध का अधिकार अपने व्यवहार और जैसे लोगों धर्मगत स्वाधीनता अधिकार में अधिकार में लोगों को धर्म ग्रहण जैसे जो कोई भी धर्म ग्रहण करके उसका धर्म का प्रचार प्रसार कर सके अपने आयन कानून से. और एक जो कोई भी शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा करके उनका प्रचार प्रसार कर सके. और जैसे कोई भी शिक्षा प्रशासन व्यवस्था में प्रस्तुत कर सके. जो कोई भी शिक्षा अनुष्ठान प्रचार करके उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कोई भी पदक्षेप ले सके. और अपने अपने मर्जी से जो कोई भी
जाति जाति का लोग में भाषा का फर्क इनके लिए ऐसे ऐसे देश नहीं है कि जिसको हमारे मर्जी से काम न करने से कोई रोक सकेगा। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, इस अधिकार में जैसे कोई भी लोग जैसे कोई सांस्कृतिक सांस्कृतिक परंपरा का लोग अपने जैसे हिंदू का मंदिर होता है कि अन्य जैसे जाति का लोग इस्लाम ऐसे कोई किया जाता है संवैधानिक प्रतिकार अधिकार। संवैधानिक प्रतिकार अधिकार 32 धारा में लिखा गया है वो सारे अधिकार का अधिकार से हाथ है वो सारे अधिकार का जी सारे अधिकार को रक्षा करते हैं। धन्यवाद।